ताकि यहाँ पे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले। ये सब स्कूल चलाने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो तो कोई यहां पे आएगा नहीं। लाइट जाती नहीं है तभी इंडस्ट्रीज बढ़ती है, जब लाइट जाती है तब इंडस्ट्रीज आना नहीं चाहती, क्योंकि इंडस्ट्रीज को लाइट परवड़ती है, इन्वर्टर और क्या बोलते हैं उसको दूसरे जनरेटर ये नहीं परवड़ता है। इंडस्ट्रीज मार खा जाती है। आज एक जमाने में मैक में लोग गाला बेचते थे, भाई गाला ले लो, आज मुझे जाके बताओ एक गाला खरीद के वहां लोग गाला नहीं छोड़ते। जो 1909 में जो भाव था आज उसका भाव 40% नहीं 4% ऊपर चढ़ता ऊपर हो गया। तो ये कैसे हुआ, अचानक हुआ? इसको ही बोलता है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया तो भाव आ गया। तो ये काम ऐसा ही नहीं हुआ, इन लोगों ने जो मेहनत की, जैसे मैंने सब ये काम किए तो अश्विन ने अलमास में सुधराव लाया, शानू ने दरगाह रोड पे सुधराव लाया, किसी ने रशीद कंपाउंड में सुधार लाया, किसी ने जफर इंडिविजुअल सवाल कर लो भाई, ऐसा है प्ले ग्राउंड आ जाएगा, प्ले ग्राउंड तैयार है, 3 एकड़ का प्ले ग्राउंड हमेशा के लिए मुमरा को अर्पित किया जाए। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बहुत सारे जो विकास हुए शहर के अंदर वो आपने गिनवाए और जो होने वाले विकास उसकी भी आपने बातें रखी, लेकिन सर इतने 3-3.5 किलोमीटर का शहर मुमरा को, लेकिन शौचालय की कमी नजर आती है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं शौचालय के लिए, खासकर महिलाएं वो बहुत परेशान है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सवाल मोहित भाई आपने पूछ लिया, इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा और इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा होगा कि एक अच्छा सवाल तुमने मेरे दिमाग में डाल दिया, ये मैं इसी भी हालत में करवा के इसमें कोई इम्प्रूवमेंट अगर आ सकती है तो लेगा। हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने के नहीं, मेडिकल कॉलेज के लिए 500 बेड का हॉस्पिटल लगता है, 100 बेड का है, और यहाँ से 10 किलोमीटर पे राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज है, तो इतने नजदीक मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकता। अजो असर नहीं है भूमिपुत्रांसाठी, तो राठौर देवी की जमीन आहे ती त्यांना देण्यात येणार आहे भूमिपुत्रांना। काफी बड़ी है ट्रैफिक की समस्या, तो वही ट्रैफिक की समस्या को ही जो इट इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रस्ते बड़े बनाना, ये नए रस्ते लाना, इसी के लिए लाए जाते हैं ताकि ट्रैफिक कम हो जाए। सर जब तक जो ट्रैफिक की समस्या है, बीच में मीटिंग भी हुई थी, समीम खान साहब ने एक मीटिंग भी ली थी, उसमें कुछ ट्रैफिक के मुद्दे पर बात हुई थी, जहां पर वैन टोन वैन लाने की बात हुई थी। ऐसा है कि जब मार्केट तोड़ा जाता है तो आप लोगों की तरफ से ही बातें की जाती है कि मुसलमानों के पेट पे लात मारी जाती है। जब मार्केट वहां पे रहता है तो आप सवाल पूछते हैं ट्रैफिक क्यों होता है, तो मैं क्या जवाब दूं आपको? सर प्रशासन भी थोड़ा ढीला है सर, पार्किंग ऐसा है, स्टाफ कम है उनके पास, वो बोलते हैं और ऐसा तो नहीं है, है। मैंने खड़े होके कितने बार मार्केट तोड़ा है, मैंने खड़े होके, तो इस बात के ऊपर ज्यादा बहस करना, अकेले मार्केट की समस्या नहीं है, पार्किंग वगैरह भी होती है, वो भी ऐसा है, मार्केट ही हल नहीं है ना सर, जो जो मीटिंग के लिए ना पार्किंग है मीटिंग में, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है कि पार्किंग बदनापुर और थाना से आदमी आके नहीं करता है। जिसको मैं बोल रहा हूं मुमरा बदल गया है, तो मुमरा का उत्पन्न भी बढ़ गया है। रोल उधर रवि भाई, मोहन साहब आपने अपनी बातों के दौरान कहा कि मुमरा ने आपको प्यार दिया, लीड दी, लेकिन मुमरा में फिलहाल जो है
औरंगजेब रहमतुल्ला अलैह के मुद्दे पर आपने जो विवादित वक्तव्य किए थे उसको लेकर काफी मुस्लिम समाज में नाराजगी है, और उस नाराजगी को आप ही के पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी आपके करीब बैठे हैं सैयद अली अशरफ, आपके पूर्व विरोधी पक्ष नेता अशरफ पठान, ये सब जता भी चुके हैं, लेकिन अभी तक जो है उनकी बातों को लेकर के आपने इस मुद्दे पर कोई वक्तव्य किया नहीं। इतिहास को इतिहास के रूप में देखा जाता है, इतिहास ना तो कोई बदल सकता है ना उसको घुमा सकता है। शिवाजी महाराज के बारे में गलत इतिहास लिखा गया था, हमने बड़ी लड़ाई करके, आपको मालूम है 20-20 साल हम लोग लड़े, मेरे पहले भी लोग लड़ते रहे, लेकिन हमने शिवाजी महाराज को जो उन्होंने हिंदू चौकट में कैद किया था उससे बाहर निकाल के सभी धर्मों का राजा बना दिया। मैंने उस शख्स के बारे में बात की जिसका नाम आप ले रहे हैं, मैंने इतिहास के परिप्रेक्ष्य में बात की, एक राजा के बारे में बात की। मैं ना तो कभी दीन के बारे में बात करता हूं, ना मदरसे के बारे में बात करता हूं, ना मस्जिद के बारे में बात करता हूं। मैं 12-13 साल हो गए, मैं कभी भी किसी के धर्म के बारे में बात नहीं करता हूं, कभी किसी धर्म। मैंने जो बात कही वो इतिहास के संबंधित है, मैं दीन के संबंध से कोई बात नहीं करता हूं ना तो दीन। अब रही बात दीन की, तो अगर दीन में उसका कुछ है, कुछ मतलब निकलता है, तो मैं सॉरी कह सकता हूं। लेकिन सर राजनीतिक तौर पे उनके बेहतरीन काम भी तो मौजूद है, देखो उस काम पे बहस बहस नहीं करता अभी, दिया उतना बस। एक मिनट, अवैध मोगरा रेलवे स्टेशन का नाम मोगरा देवी स्टेशन करने, देखो बजरंग दल ने हस्ताक्षर अभियान,